सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहती है बीजेपी देखते हुए, या फिर उस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए वो आगे बढ़ना चाहती है ताकि चुनावी माइलेज उसको बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सके? क्या ये करते हुए आगे बढ़ रही है बीजेपी बिहार में? हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के मन में ये मुद्दा है। बिहार के लोगों के मन में है कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने जो न्याय देना था उसमें देरी की। अगर बिहार सरकार ने एफआईआर न किया होता तो आज सीबीआई की जांच भी नहीं होती। हत्या को आत्महत्या साबित करने में तुली हुई थी वहां की सरकार। और हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम बिहार के 12 करोड़ लोग और पूरे देश के लोगों के मन में सुशांत सिंह राजपूत बसते हैं, क्योंकि वो बिहार का बेटा था और बॉलीवुड में जाकर इतना बड़ा नाम किया। अगर उसकी हत्या हुई तो क्या आवाज उठाने का मकसद सबका है? हम इसको राजनीति के तौर पर नहीं रखते, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती बंगाल की बेटी है, ब्राह्मण है, क्या इस तरह का बयान उनको देना चाहिए? तेजस्वी यादव को और कांग्रेस पार्टी को यह साफ करना होगा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं या नहीं है। हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हमें इसमें कहीं से राजनीति नहीं दिखती। हमारे बीजेपी कल्चर सेल ने, जो हमारा सांस्कृतिक सेल है, उसने जरूर ये बैनर बनाया कि ना हम भूले हैं ना भूलने देंगे। बात सही है कि अगर कितनी भी साजिश होगी महाराष्ट्र की, बैनर बना रहे हैं, आप मास्क बना रहे हैं, आप इसी मुद्दे को लेकर भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो सवाल है ना शहनवाज जी? यही तो सवाल है कि वास्तव में आप इस पूरे मामले पर न्याय चाहते हैं या चुनावी माइलेज? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अखिलेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मृत्युंजय जी के पास आऊंगी। ठीक है, आप खामोश हो तो मैं जवाब दूं। चित्रा जी, पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अखिलेश जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि जो बातें अधीर रंजन चौधरी ने कही हैं, अब एक आरोपी को लेकर उसको बंगाली ब्राह्मण बता रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। क्या इस तरह से अब चुनावी मैदान में जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं पहले आपके द्वारा उद्बोधित कुछ शब्दों का मैं स्पष्टीकरण कर दूं। आपने हमारी एक बहन ममता काले जी को बताया राजनीतिक विशेषज्ञ, आप बुलावे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के ऑफिस में रह रहे हैं, तो इसलिए जनता को, अपने ऑडियंस को धोखा ना दें आप। वो न्यूट्रल वॉयस नहीं, वो बीजेपी के ऑफिस बेयर है। दूसरी बात, अखिलेश जी सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, कहां आप पहुंच जाते हैं, मतलब आपको किस बात पर आपत्ति है? ममता काले डिबेट में आपके साथ नहीं बैठे, इस बात पर आपत्ति है? इस बात पर आपत्ति है? आपसे सवाल पूछा गया अधीर रंजन चौधरी को लेकर, आप चले गए ममता काले पर। अरे साहब जवाब तो दे दीजिए, जवाब दीजिए। आप जब झूठ बोलेंगे, आप आज तक कोई झूठ नहीं, अखिलेश जी, अखिलेश जी ये प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। आपसे सवाल पूछा जाता है कुछ और, जवाब देते हैं आप कुछ और। आपसे जवाब पूछा जाता है कुछ और। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे पैनल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अखिलेश जी जिस तरह से आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं, वैसे ही ममता काले हमारी सम्मानित मेहमान हैं। अब जवाब दीजिए, मुझे लगता है मुद्दे पर रहना चाहिए। अखिलेश जी आप बहुत मुद्दा भटकाते हैं, बहुत मुद्दा भटकाते हैं, मुद्दे पर आइए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सही किसी की आइडेंटिटी बताइए। अगर कोई बीजेपी का ऑफिस बेरर है तो उसे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं कह सकते। बस इतनी मेरी आपत्ति थी, आप किसी को बुलाएं स्वतंत्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, ठीक है चलिए, मैंने झूठ बोल रहे हो आप, सुनिए आप लोग मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। आपको पता है कि ममता काले आप लोगों को एक्सपोज करती है, इसलिए मुझको ऐसे बोलते हो? अब वो सुनिए, शाहनवाज भाई जो कह रहे हैं वो सीबीआई उनकी अपनी जांच कर रही है, क्यों नहीं बता रही है क्या हुआ है? वो कह रहे हत्या हुई है, क्या सीबीआई ने कहा कि हत्या हुई? कौन नहीं चाहता कि उसकी जांच हो? लेकिन इस तरह से बिहार के मुद्दे को, बिहार के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं सुशांत सिंह को न्याय मिले, क्या हुआ सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन उसको राजनीतिक भुनाना कोई नहीं चाहता है। उसका राजनीतिक भुनाना सिर्फ बीजेपी चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि वो 125 करोड़ मोदी जी जिन्होंने नीलाम करके बोला था कि हम बिहार को देंगे, उसका एक पैसा मिला? 20 लाख करोड़ सुन लिया करें, जैसे दूसरों को सुना, हमें हम सबका जवाब देंगे।
जैसे किसी को बिहार का बेटा कहने का अधिकार है। अखिलेश जी इतना समय तो है नहीं, पहले तो आपने ममता काले पर हमारा समय खराब किया, अब मुझे लगता है कि मुद्दे पर आकर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी बिहार के बच्चे को, लोगों को ये कहने का अधिकार है कि मेरा बिहार का बेटा है, वैसे हर किसी को अपने अपने प्रदेश के किसी बेटे बेटी को कहने का अधिकार है। लेकिन कानून को न्याय करना चाहिए, कानून को अपना काम करे, जांच इसी अपना काम करे।